Okay, students, so now our next topic is sex determination. What is sex determination? The phenomenon or the process which determines whether the process or phenomenon which determines the whether to be born child is a male or a female is known as sex determination. In most of the organisms, environmental and genetic or the chromosomal mechanisms are mainly responsible for the determination of sex of an individual. So chromosomes hote hain, they are the main factor that are responsible for the sex of an individual. Basically, क्या होता है देखो कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ह्यूमन बींग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ठंड में पैदा होगा तो लड़का होगा, गर्मियों में होगी तो लड़की होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. कई ऑर्गेनिजम्स में जरूर होता है टेम्परेचर का इफेक्ट, बिकॉज ऑफ लाइक इन हनी बीज कुछ होता है ऐसा, हाई टेम्परेचर में दे आर ड्रोन्स एंड लो टेम्परेचर पे देयर इज अ क्वीन लाइक दैट. तो ये बेसिकली पार्थेनोजेनेसिस फर्टिलाइजेशन को इफेक्ट करने का प्रोसेस होता है. बट इन ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग इज सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है, सेक्सुअली डिटरमाइंड होता है, क्रोमोसोमली डिटरमाइंड होता है, एवरीथिंग इज जेनेटिक एंड एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द फादर ऑफ द चाइल्ड. फादर ऑफ द चाइल्ड इज द वन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द बेबी. ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स हैव 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर्स ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम. ह्यूमन बींग्स हैव 22 pairs of the autosomes, मतलब autosomes are 44 in number. Autosomes are 44 in number and sex chromosomes are 2 in number. ठीक है, मेल कैसे बनता है, मेल के पास बाकी सारे क्या होते हैं, सेम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स का डिफरेंस होता है. मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है दैट इज एक्स वाई एंड फीमेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है दैट इज एक्स एक्स. ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है जो एक मेल या फीमेल को बनाता है. अब आगे पढ़ते हैं, फीमेल्स हैव सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एक्स. फीमेल्स के अंदर दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं सेक्स वाले दे आर सेम, दैट इज एक्स एक्स, एक्स और एक्स दोनों सेम होते हैं. वेयर एज मेल हैव अ डिससिमिलर पेयर दैट इज एक्स वाई. तो सभी एग्स के अंदर तो एक्स ही होता है. स्पर्म्स के अंदर हाफ ऑफ द स्पर्म्स कंसिस्ट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स एंड हाफ ऑफ द स्पर्म्स कंसिस्ट ऑफ द वाई क्रोमोसोम्स. ठीक है, और इसमें ये भी कोई नहीं होता है कुछ भी लाइक दैट की डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाला, दैट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट एंड टोटली हेल्दी एंड टोटली नेचुरल प्रोसेस. ठीक है, तो ऑल द एग्स कैरी द एक्स क्रोमोसोम्स व्हाइल द स्पर्म में कैरी आइदर एक्स और अ वाई क्रोमोसोम. अगर आपको सेक्स डिटरमिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है तो आपने ये सारा पैराग्राफ जितने भी पॉइंट्स है, ऑल द 5 पॉइंट्स यू हैव टू राइट इट, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. डायग्राम आप बना सकते हो, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है. वैसे दिस डायग्राम इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, वही कई स्टूडेंट बट कई फिर भी कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं दिस इज कॉम्प्लिकेटेड या दिस इज वेस्टेज ऑफ टाइम, तो जरूरत नहीं है. सिंपली आप एक मेल लिख दो, आप फीमेल लिख दो. मेल के अंदर क्या होते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं जो क्या कर जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल सेग्रीगेट, देन दे विल मीट एंड देन दे विल फॉर्म द बेबी और द चाइल्ड. तो ये देख लेते हैं, दोबारा से पॉइंट रीड कर लेते हैं. द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिपेंड्स अपॉन वेदर द एग फ्यूजेस विद द स्पर्म कैरिंग एक्स. अगर एग मिल गई, एक्स वाली एग के पास तो हमेशा एग है, एक्स है. ठीक है, एग के पास हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही है, वाई क्रोमोसोम नहीं है. तो एग अगर एक्स के साथ, एक्स वाले स्पर्म के साथ मिल गई तो होगी बेटी. एग अगर वाई वाले स्पर्म के साथ मिल गई तो होगा बेटा, एंड दैट इज टोटली नेचुरल. इसमें कोई भी किसी की स्ट्रेंथ का रोल नहीं होता है, किसी की हेल्थ का रोल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, दैट इज टोटली नेचुरल.
टोटली रैंडम प्रोसेस होता है, बिल्कुल इसमें भगवान का ही रोल होता है और किसी का रोल नहीं होता है. The sex of the child depends on whether the egg fuses with the sperm X or sperm carrying a Y chromosome, resulting in a male. Male कब होगा? जब X वाली egg है, वो मिल जाएगी Y वाली sperm के साथ. Egg के पास तो हमेशा X है, ये चीज याद रखनी है. इसीलिए mothers का कोई भी role नहीं होता है sex determination में, only fathers have the role. अब देख लेते हैं हम diagram. What does this diagram see? Says male है, male के पास क्या है? Sperms है. यहाँ पे इन्होंने suppose किया कि male के पास दो sperms है, तो एक sperm होगा X वाला, एक वाला होगा, एक sperm होगा Y वाला. अब जब ये X वाला sperm है, ये मिल जाएगा egg के साथ तो होगी बेटी. अब अगर Y वाला sperm मिल गया X के साथ तो होगा बेटा. ठीक है, इसीलिए first case के अंदर उन्होंने female दिखा रखी है, second case के अंदर उन्होंने male दिखा रखा है. So this is all, कि मेल के जो पार होती है, बेसिकली मेल के स्पर्म्स की वजह से जो सेक्स होता है, दैट इज डिटरमाइंड बाय, दैट इज डिटरमाइंड ऑफ अ चाइल्ड बाय द मेल, बाय द फादर ओनली. द फादर इज रिस्पॉन्सिबल, द फादर इज द वन जिसकी वजह से जो भी सेक्स इनहेरिटेंस है वो होती है. हमारे में सिर्फ दो क्रोमोजोम्स होते हैं, दीज आर द सेक्स क्रोमोजोम्स. पहले का नाम होता है एक्स, दूसरे का नाम होता है वाई. फीमेल्स के अंदर दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं XX, मेल्स के अंदर होते हैं दो क्रोमोसोम्स, वन इज एक्स, सेकेंड इज वाई. अब दोबारा से इस चीज को रीड कर लेते हैं, दोबारा से इसकी रिविजन ले लेते हैं. द फिनोमिना और प्रोसेस विच डिटरमाइंस वेदर अ डेवलपिंग एम्ब्रियो विल बी अ मेल और फीमेल इज नोन एज सेक्स डिटर्मिनेशन. द फिनोमिना और प्रोसेस जिसके थ्रू हमें पता चलता है, एक ऐसा प्रोसेस है ये सेक्स डिटर्मिनेशन जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि बेबी है जो होने वाला, दैट इज एक्स और दैट इज वाई. तो एमनियोसेंटेसिस ऐसा टेस्ट होता है, एमनियोसेंटेसिस इज द टेस्ट जो बेबी जो मदर से लिया जाता है, मदर के एमनियोटिक फ्लूइड से लिया जाता है. इसका नाम क्या होता है आपको दोबारा से लिख के बता देती हूँ. द प्रोसेस इज एमनियोसेंटेसिस. एंड लिया कहाँ से जाता है? एमनियोटिक फ्लूइड से, एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ मदर. ठीक है, इसी से हमें पता चलता है कि जो होने वाला बेबी है उसमें एक्स वाई है या एक्स एक्स है. तो हमें पता चल जाता है कि जो टू बी बॉर्न बेबी है, दैट इज एक्स वाई और एक्स एक्स, मतलब मेल है या फीमेल है. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में या तो एनवायरमेंट रोल प्ले करता है, या जीन्स रोल प्ले करते हैं, या क्रोमोसोम्स रोल प्ले करते हैं कि होने वाला बच्चा क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा. ह्यूमंस हैव 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स. फीमेल्स हैव सिमिलर सेक्स क्रोमोसोम्स. दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स फीमेल में सेम होते हैं, दोनों एक्स ही होते हैं. हालांकि मेल हैव अ डिसिमिलर पेयर, दैट इज नोन एज द एक्स वाई. All the eggs carry X chromosomes while sperm may carry either X or Y chromosome. The sex of a child depends on whether the egg fuses with the sperm carrying on the X chromosome or with the sperm carrying a Y chromosome. Evolution. Evolution can be defined as the formation of more complex organisms from the pre-existing simpler organisms. जैसे चींटी है, चींटी से एक बड़ा कीड़ा बन गया. ठीक है, that is the process of evolution. It is a natural process and it is a complex process जिससे simple organisms complex organisms में convert हो जाते हैं over a certain period of time. ये जो phenomenon of evolution होता है, that is very slow but progressive. ये प्रोग्रेसिव है, मतलब उधर वाली डायरेक्शन में क्या करता रहता है, प्रोग्रेस. जैसे एंट्स है ना, सपोज करो कि हम ले रहे हैं 100 साल के ड्यूरेशन ले रहे हैं. 100 साल पहले चींटियां बहुत छोटी होती थी, फिर उनके बच्चे क्या होने, थोड़े से बड़े पैदा होने लगे, थोड़े से और बड़े. 100 साल के बाद एक बड़ा कीड़ा क्या हो गया, पैदा हो गया. दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. ये स्लो है, प्रोग्रेसिव है, एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव करता रहता है. This is a natural process. This is the process of sequential development or transformation of animals and plants from the ancestors of different forms and functions. ये क्या है, एक sequential process है, sequence के अंदर होता है. ठीक है,
सीक्वेंस के अंदर कैसे, मतलब पहले छोटा फिर बड़ा फिर और उससे बड़ा, मतलब पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सिंपली एक इवोल्यूशन की चीज को देख लेते हैं, बैक्टीरिया। सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे आए थे देवर द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से क्या बने, साइनोबैक्टीरिया बन गए। साइनोबैक्टीरिया से क्या बन गए, प्लांट्स बन गए। प्लांट से क्या बन गए, एनिमल्स बन गए। मतलब ये एक सीक्वेंस में प्रोसेस हो रहा है। देखो बैक्टीरिया ने क्या किया, बैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका सेल बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, ठीक है। उसके बाद बने साइनोबैक्टीरिया, जो पहले वाले बैक्टीरिया क्या करते थे, केमोसिंथेसिस करते थे, केमिकल की हेल्प के थ्रू अपना खाना बना लेते थे। नेक्स्ट वाले जो बैक्टीरिया आने लगे साइनोबैक्टीरिया, वो क्या करने लगे, फोटोसिंथेसिस करने लगे। फोटोसिंथेसिस की तरफ प्लांट्स का जन्म होना शुरू हुआ धीरे 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 करके। दैट वाज अ ग्रेट प्रोसेस, इसमें थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगे होंगे, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। एंड प्लांट्स ने जब इनफ खाना प्रोड्यूस कर दिया, इनफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दी एनवायरमेंट में, तो प्लांट्स से धीरे धीरे क्या बनने शुरू हो गए, एनिमल्स बनने शुरू हो गए। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, सीक्वेंसेस में चल रहा है। बेसिकली जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की लीनिएज है ना, वो साथ साथ में चली थी, कि एक जो है वो प्लांट्स की तरफ मूव कर रहा है, दूसरा एंसेस्टर है एनिमल्स की तरफ मूव कर रहा है। इट वॉज लाइक दिस ओनली। तो आप ये मत समझना कि हाँ प्लांट्स बने थे पहले फिर एनिमल्स बने थे। हाँ पहला जो था ऑर्गेनिज्म दैट वॉज अ प्लांट, एंड लास्ट बाद में एनिमल्स आए हैं प्लांट से, बट एक प्लांट आने के बाद एक एनिमल ही आ गया। मतलब ये एंसेस्ट्रल लीनिएज सेम थी, आधे ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स की तरफ मूव करने लगे, आधे ऑर्गेनिज्म एनिमल्स की तरफ मूव करने लगे। सो वेरिएशन एंड हेरिडिटी आर द टू की पॉइंट्स। Variations and heredity are two basic factors of evolution. Variation मतलब change होगा। Suppose करो मैं क्या हूँ, मुझे English नहीं बोलनी आती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे survive कैसे करूँगी? मैं आज की दुनिया में survive नहीं कर सकती अगर if I don't know English speaking. So English speaking is very necessary in today's environment, today's era. तो this is the basic thing. अब हमारे parents से अगर हम भी हमारे पेरेंट्स की तरह रीजनल लैंग्वेज में बात करें, हिंदी या पंजाबी में बात करें, तो क्या हम कभी आगे बढ़ पाएंगे? नहीं, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आज की दुनिया में इंग्लिश बोलना जरूरी है, एक नेसेसिटी है। सो दिस इज द थिंग, ऐसे चलती है दुनिया और ऐसे ही चलता है हमारे इवोल्यूशन का प्रोसेस। द सिलेक्शन ऑफ वेरियंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस। क्या हो जाती है कि सपोज करो हम कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस की एक्सपेरिमेंट एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो दुनिया के हर इंसान को क्या हो गया, कोरोना इफेक्टेड हो गया, हर इंसान क्या हो गया, कोरोना इफेक्टेड हो गया। तो जो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट थे जो, वो तो क्या कर गए, वो जी गए। जो नहीं थे वो मर गए, जो नहीं थे वो मर ही गए। तो अब वाले जो जिंदा है वो रेजिस्टेंट ही थे, तो दोबारा से कोरोना उनको मार नहीं सकता। ये क्या हो गया, नेचुरल सिलेक्शन होगी, नेचर ने उसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। मतलब नेचर ने उन ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट किया जो कोरोना से क्या थे, रेजिस्टेंस थे। उन ह्यूमन बीइंग्स को चूज किया जो कोरोना से क्या थे, रेजिस्टेंट थे। इस तरीके से हमारी जो दुनिया है वो चलती है, इवोल्यूशन का प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, जो ऐसे इस तरीके से चलता है। नाउ बेसिकली जो था आपका आज का यही तक था, क्योंकि जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है बेसिकली उसको निकाल दिया गया है आपके सिलेबस में से अकॉर्डिंग टू द न्यू CBSE नॉर्म्स। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है, आप ये समझ लो दैट व्हाट आर बेसिकली एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। सी इवोल्यूशन की डेफिनेशन अगर हम देखते हैं तो इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। Evolution is a gradual process progression of organism from simple to complex. ठीक है, तो एविडेंसेस क्या है, एविडेंस का मतलब प्रूफ, एविडेंस का मतलब सबूत।
क्या प्रूफ है दुनिया इवोल्यूशन हुई है, क्या प्रूफ है कि हम वैसे ही नहीं बने, क्या प्रूफ है हम बाकी एनिमल से बने हैं, मतलब कि जो मंकीज हैं, जो प्राइमेट्स हैं, एप्स एंड गोरिलास, ह्यूमन बींग्स उनसे डिवेलप हुए हैं, तो इसका प्रूफ क्या है? दैट इज अंडर द टॉपिक दैट इज इवोल्यूशन. अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड फॉर लास्ट 200 इयर्स टू सपोर्ट द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. पिछले 200 साल से साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इस चीज को लेने के लिए कि वो क्या चीज है जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को जन्म देती है, जो इवोल्यूशन कर रही है. आज का ह्यूमन बींग है वो इवोल्यूट होगा या नहीं होगा? देखो, इवोल्यूशन जो है एक बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है. आजकल की दुनिया टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, तो हमारे भी जो काम है ना वो बहुत ही ज्यादा टेढ़े हो चुके हैं. हम लोग हैं जो अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं प्रॉपरली, हम न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम नेचुरल कल्चरल थिंग्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वी आर नॉट सो मच एक्टिव. तो ऐसा पॉसिबल है कि इन द कमिंग फ्यूचर जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके जो लिम्ब्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो वेस्टिजियल हो जाएंगे. हमारे हाथ और टांगे हम काम ही नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि हम उनको यूज ही नहीं करते हैं. तो ये भी इवोल्यूशन की एक थ्योरी है कि जो चीजें हम यूज करेंगे वो स्ट्रांग होती जाएंगी. जैसे कि हम मोबाइल चलाने के लिए अपने थम्स को, लैपटॉप चलाने के लिए हम अपने फिंगर टिप्स को यूज करते हैं. तो हो सकता है कि जो अगर इवोल्यूशन हो जिस ह्यूमन बींग में धीरे धीरे, तो उनमें क्या हो, जो फिंगर टिप्स हो जो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाए एंड जो लिम्ब्स है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाए, वो चल ही ना पाए. तो हमें हमेशा हर बंदे को क्या करनी पड़ेगी, एक व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ेगा. तो दैट इज द बेसिक थिंग की जो इवोल्यूशन की तरफ जा रही है एंड इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है. सच अ सपोर्टिंग इवोल्यूशन विच हेल्प्स अस इन एक्सेप्टिंग द थ्योरी इज कॉल्ड द एविडेंस. एविडेंस क्या होता है? प्रूफ होता है. क्या प्रूफ है? हम बंदर से बने हैं, हमारी मॉर्फोलॉजी का प्रूफ है. मॉर्फोलॉजी का प्रूफ मतलब हम बाहर से बंदर की तरह दिखते हैं, हमारी जो फिजियोलॉजी है वो भी बंदर की तरह काम करती है. जैसे इंटेस्टाइन हमारी है वैसी बंदर की है. अगर उसको हम ध्यान से देखा जाए तो, उसको ध्यान से अगर स्टडी करें तो हमारा थोड़ा एडवांस सिस्टम है, उनका थोड़ा क्या है, प्रिमिटिव सिस्टम है, बट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बहुत ज्यादा सेम है. तो यही चीजें होती हैं जो इवोल्यूशन को डिफाइन करती हैं. ओके स्टूडेंट, सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज चैप्टर, टूडेज टॉपिक. हमारा हेरिडिटी वाला जो है टॉपिक वो कम्प्लीट हो चुका है एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एनवायरमेंट. इन्वायरमेंटल के हम इम्प्रूवमेंट वाले बेसिकली या नेचुरल रिसोर्सेज वाले चैप्टर से शुरू करने वाले हैं. सो तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.